कहते हैं उड़ान के लिए पंखों का नहीं हौसलों का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे बियावान जंगलों में हो, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है तो आप विदेशों में भी जा करके अपने फन का, अपने हुनर का बेहतर तरीके से आप अपने फन को लोगों के सामने ला सकते हैं। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ हैं फन के माहिर भूपदेवपुर जैसे छोटे गांव से उठ करके आज पूरे छत्तीसगढ़ में छा जाने वाले फनकार, संगीतकार, जो गाना भी बहुत बेहतर गाते हैं, गाने में भी जिनका कोई सानी नहीं है, छत्तीसगढ़ के कई एल्बम बना चुके हैं, यहाँ से निकले हैं। पूछते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन यात्रा के बारे में, कैसे वो यहाँ से उस मुकाम तक पहुँचे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शुरुआत किसी गाने से हो जाए। अच्छा, गोरी तोर रूप के दीवाना रे, नैना मिलाना चल नहीं गोरी तोर बहाना रे, नैना मिलाना। ये आपका ये संगीत का सफर की शुरुआत कैसे हुई? संगीत का सफर भैया, जब से स्कूल पढ़ने जा रहे थे, जब ही से मतलब एक स्कूल में देशभक्ति सॉन्ग जैसे गाना था, तो देशभक्ति गीत गाते हुए ऐसा प्रेरणा हुआ, ऐसा प्रेरणा मिला कि ये लाइन अच्छा है, तब से फिर धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हुए गए। और 2004 में मेरा पहला एल्बम आया तो रूप की दीवाना, और उसके बाद तो फिर सुपरहिट एल्बमों का झड़ी लगा दिया, जैसे मोर मृगनैनी, तो रूप की दीवाना, झूमा रे झूमा, मिस इंडिया, ए गोरिया, पिया परदेसिया, जैसे सुपरहिट एल्बम दिया है मैंने छत्तीसगढ़ को। ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी आपका? हाँ, फिल्म के लिए वॉइस कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी फिल्म में अभी काम चालू है, बहुत जल्द आ जाएगा। क्या हिंदी फिल्मों की तरफ से कोई ऑफर आया? नहीं, हिंदी फिल्म की तरफ से तो ऑफर नहीं आया, लेकिन एक बार हमारे खरसिया में रविंद्र जैन जी आए थे, तो राम झरना रेस्ट हाउस में जब उन्होंने यहाँ रुके थे, तो उन्होंने बुलाया थे मेरे को, और रेस्ट हाउस में जब बुलाए तो मैं, मेरे को एक गीत गाने के लिए बोले उन्होंने, तो मैं उस समय हिंदी ही गाता था, तो उनका ही लिखा हुआ गीत, उनका ही कंपोजिंग गीत, जिसको किशोर कुमार साहब ने गाया था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, तो इस गीत को मैं उनके सामने में सुनाया था, तो उन्होंने मुझे बोले कि आप चलो हमारे साथ मुंबई, तो पिताजी से पूछा तो मना कर दिए, अभी मत जाओ बोले जी। यहाँ तक पहुँचने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि अब एक छोटा सा गांव भूपदेवपुर से मतलब यहाँ तक सफर तय करना बहुत मैंने आसान काम नहीं था भैया, बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, और लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है जो हमें मिला, और इसके कारण आज हम छत्तीसगढ़ में एक अलग नाम पहचान बना पाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मजाक तो कभी नहीं उड़ाए, जब भी हम कहीं पर भी गए तो मतलब लोग बाग बड़ा ध्यान से सुने, इसीलिए ये लाइन बहुत अच्छा लगा हम लोग को, और बचपन से ही संगीत में रुचि है। जो छत्तीसगढ़ी फिल्में होती हैं वो जो दूसरे रीजनल फिल्में होती हैं, कहा जाता है कि उस हिसाब से छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दौर नहीं चला, जैसे आपका ये तेलुगु इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री, साउथ फिल्म का इंडस्ट्री है, भोजपुरी है, आपका उड़िया है, बांग्ला है, उस तरह का कमाल छत्तीसगढ़ी फिल्म क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जैसे मोबाइल तो सबके पास है, आप सब्सक्राइब, आपके चैनल का सब्सक्राइब भी करके रखा है सामने वाला, लेकिन फिर भी पूछता है कि आपका कोई नया सॉन्ग नहीं आ रहा है क्या? हाँ। कहते हैं कि जैसे वहाँ अपने कल्चर को लेते हैं, छत्तीसगढ़ फिल्मों में ऐसा नहीं, अपने कल्चर को नहीं उठाते, नहीं उठाते जी। हाँ, नहीं उठाते, ये भी एक कारण है, और दूसरा कारण ये भी है भैया कि आज छत्तीसगढ़ का स्तर ऐसे भी है गाने वाले कि अगर कोई भी कुछ भी उटपुटांग शब्दों को लेकर मतलब गाना एक बना दिया जा रहा है, जो मतलब आप एक घर परिवार में बैठ के नहीं सुन सकते,
नहीं देख सकते, अपने आपको उस गाने को चलाने में थोड़ा सा संकोच महसूस होगा। तो यही सब है कारण मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रीज का जो स्तर है वो हमेशा ऊपर की ओर उठे, जैसे हमारा रहता है। और हम लोग काफ़ी ये कोशिश करते हैं कि शब्द गलत ना हो और घर परिवार वाले सब बैठ के सुने। अभी जैसा मेरा एक लेटेस्ट में नया सॉन्ग आया है, तो आप उस गीत को आप जरूर सुनिएगा, आ जा मयारु चिरैया, ये सॉन्ग आप सुनाइए। मैं आपको एक लाइन सुना रहा हूँ, मेरा ही एक धुन कंपोजिंग किया हुआ है। आना अरे आजा मयारु चिरैया, दिल के पिंजरा मा तोला बिठाऊं, गुरतुर मीठा बोली तोला सिखाऊं, प्यार के ये बी सी डी तोला पढ़ाऊं, आना तयारे मयारु आना अरे आजा, दिल के पिंजरा मा तोला बिठाऊं। तो ऐसा सॉन्ग अपने से बनता है। अभी छत्तीसगढ़ी जो एल्बम होते हैं चाहे इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं उसमें ये कर्मा, ददरिया, सुआ, इन सब चीज़ों का अभाव रहता है जी। क्या उसके उससे एल्बम नहीं चलेगा अगर वो रहेगा तो? नहीं, फिल्में नहीं चलेंगी? बिल्कुल चलेगा भैया, क्यों नहीं चलेगा। हम लोग का क्या है, हम एक पेटेंट पे काम नहीं करते। हमारा भी जैसे मेरे खुद लक्ष्मी पांडे ऑफिशियल चैनल है जिसमें मैंने कर्मा गाया है, और अभी और कर्मा सॉन्ग आ रहा है मेरा, कई ठो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, रिलीज नहीं हो पाया है, जिसमें सुपर हिट कर्मा सॉन्ग है, फोक गीत है। पहले तो मैं हालांकि नहीं गाता था ये सब, लेकिन अभी मैं बराबर चालू कर दिया हूँ। मूवी के लिए भी फोक गीत मैं दे रखा हूँ प्रोडक्शन को जी। छत्तीसगढ़ में कम 3 से 4 साल 5 साल तक और मैं सीजी सॉन्ग करूँगा, और उसके बाद पूरा अपना ध्यान इससे हटा के मैं वृंदावन में 1 साल वहाँ रहकर आश्रम में अपना पूरा मैंने गेटअप चेंज करना चाहता हूँ। पूरा मतलब इस लाइन को पूरा हटा के मैं वृंदावन से वहाँ से आने के बाद मैं भागवत बोलकर श्री राधे के श्री चरण कमल में अपने बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूँ जी। भैया मैं तो किशोर जी का बड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आइए मैं आपको एक किशोर दा का सॉन्ग मैं आपको सुना रहा हूँ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, जो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले, कड़ी है मेरे आगे रे शरम से वो झल, झुकी पलकों में जवां रातों की फसाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण पांडे जी। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण पांडे जी, जो यहाँ से निकलकर भूपतपुर से निकलकर के आज छत्तीसगढ़ के संगीत में एक बड़ा सितारा बने हुए हैं, और इन्होंने कई एल्बम वगैरह आने वाले दिनों में ये यहाँ के जो फोक कल्चर है, फोक जो सॉन्ग है, ददरिया सुआ वगैरह पे भी आने वाले दिनों में ये एल्बम कर रहे हैं, एल्बम आगे करेंगे। तो अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए मुनादी चौपाल, और लाइक कीजिए, अच्छा लगे वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको इस संबंध में कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय जोहार, जय संगवारी, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सभी संगी संगवारी साथी मन, आप मन ले निवेदन है कि मुनादी चौपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और
शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।